जो प्रेम का पाठ पढ़ेगा वो पंडित है। तो प्रेम क्या है? उस समय हम मैट्रिक में पढ़ रहे थे, उतना बुद्धि था नहीं, मैं इस पर माथा लगाना बंद कर दिया। मैंने सोचा कि प्रेम तो पति पत्नी में देख रहे हैं, प्रेम तो साला बहनोई में देख रहे हैं, प्रेम तो ससुर दामाद में है, प्रेम तो भाई भाई में है, प्रेम तो पिता पुत्र में है, प्रेम तो गुरु चेला में है, प्रेम तो ननद भाभी में है, प्रेम तो गोतनी गोतनी में है। तो अभी कबीर साहब कौन प्रेम की बात करते हैं? सब लोग को अचंभा लगेगा, अभी कौन प्रेम है? ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। समस्या है प्रेम पर। बंधुओं, वास्तव में अब पता चला है कि पति पत्नी में प्रेम नहीं, गुरु चेला में प्रेम नहीं है, सास पुतोह में प्रेम नहीं है, गोतनी गोतनी में प्रेम नहीं है, ननद भाभी में प्रेम नहीं है, भाई भाई में प्रेम नहीं है। क्यों? जहां प्रेम होगा वहां लड़ाई नहीं होगी, वहां गाली गलौज नहीं होगा, वहां मामला फौदारी नहीं होगा। जहां प्रेम होगा, प्रेम निर्विकार है, प्रेम में न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, न अहंकार है, प्रेम निर्विकार होता है। और प्यार में सब विकार है। पति पत्नी में प्यार है, तुरंत हंस बोल लेगा दोनों पति पत्नी, और तुरंत में झगड़ा लड़ाई हुआ तो मारपीट और गाली गलौज दोनों प्राणी में शुरू। प्रेम हुआ था सेवरी और राम के बीच में, प्रेम हुआ सेवरी और राम के बीच में, जहां कोई गाली गलौज नहीं चला, कभी कभी थप्पड़ मुक्का लाठी नहीं चला सेवरी और राम के बीच में, कभी एक बच्चा पैदा नहीं हुआ सेवरी राम के बीच में। इसलिए कि प्रेम में विकार नहीं है, तो बच्चा कैसे पैदा होगा? बच्चा तो विकार से पैदा होता है। प्रेम हुआ मीरा और कृष्ण में, प्रेम हुआ राम कृष्ण परमहंस और शारदा देवी में, प्रेम हुआ जय प्रकाश नारायण और प्रभावती देवी में, प्रेम हुआ बाद में चल के महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी के बीच में। उसका नाम प्रेम है। सेवरी कही थी राम से, केहि विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति मैं जरमति नारी, अधम दे अधम अधम यति नारी, तिन मह मति मंद गमारिन। सेवरी कहती है राम से, प्रभु मैं आपका सेवा कैसे करूं? एक तो मैं जात की मुसहरनी हूं, देखने में कुरूप हूं, विद्या के हीन हूं, कोई गुण हमारे पास नहीं है, मैं आपका सेवा कैसे करूं? तो भगवान राम ने सेवरी से कहा, कह रघुपति सुनु भामनि बाता, मानहु एक भगति कर नाता, जाति पाति कुल धर्म बराई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भक्ति हीन नर सोह ही कैसे, बिनु जल बारिध देखिए जैसे। बंधु, वहां तो सेवरी राम के बीच में प्रेम हुआ। एक आदमी से पूछा गया, मान लीजिए अखंड साहब से, क्या अखंड साहब कल के सत्र में मैंने आपको नहीं देखा? तो अखंड साहब ने जवाब दिया कि साहब जी, कल हम एक पंचायती में चले गए। क्या पंचायती था? तो एक लड़का एक लड़की के बीच में प्रेम हो गया, उसी की पंचायती थी, उसी में हम चले गए। बताइए, जब लड़का लड़की में प्रेम हो तो प्रेम में पंचायती की क्या आवश्यकता है?
पंचायती तो झगड़ा में होगा, पंचायती तो चोरी में होगा, पंचायती तो बेईमानी में होगा, पंचायती तो हत्या में होगा, पंचायती तो बलात्कार में होगा, पंचायती तो आरी तोड़ने में होगा। जब उस लड़का लड़की के बीच प्रेम हुआ तो इसमें पंचायती की क्या आवश्यकता है जो आप पंचायती में चले गए। उस लड़का लड़की के बीच अगर वास्तव में प्रेम होता तो पंचायती नहीं होती। उस लड़का लड़की के बीच क्या हुआ? प्यार। देयर आर ग्रेट डिफरेंस बिटवीन प्रेम एंड प्यार। प्रेम और प्यार में जमीन और आसमान का अंतर है। प्रेम हुआ सेवरी राम के बीच में और प्यार हुआ था लैला और मजनू के बीच में। इस प्रेम की चर्चा कबीर करना चाहते हैं कि ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। जो प्रेम का पाठ पढ़े वो पंडित है। उस लड़का लड़की में अगर प्रेम होता तो पंचायती नहीं होती। उस लड़का लड़की के बीच में प्यार हुआ और प्यार को हम उर्दू में मोहब्बत कहते। लड़की फंस गई लड़का के मोह में और लड़का फंस गया है लड़की के मोह में। जहां मोहब्बत होगा, जहां प्यार होगा, वहां पंचायती होगी। जहां प्रेम होगा, पंचायती की कोई आवश्यकता नहीं। बंधुओं, परिवार के लोगों से प्रेम करने की आवश्यकता है। प्रेम होता है आत्मा से आत्मा का मिलन, आत्मा से आत्मा का मिलन प्रेम होता है, और देह से देह का मिलन प्यार होता है। तो पति पत्नी में आत्मा का मिलन है जी, नहीं देह का मिलन है। वो प्यार है, उसमें गाड़ी भी होगा, मारपीट भी होगा, बच्चा पैदा भी होगा, मामला फौदारी भी होगा पति पत्नी में। लेकिन जहां प्रेम हो गया सेवरी और राम के बीच में, कहां ही ऋषि देव सेवरी आ कहां ही छत्री, और दोनों में प्रेम हो गया, आत्मा का मिलन, आत्मा से आत्मा का मिलन, इसका नाम प्रेम है, और देह से देह का मिलन, इसका नाम प्यार है। प्रेम होना चाहिए, प्रेम का पाठ पढ़िए। ना आप एको डिसमिल लेके जाइएगा इस दुनिया से, और ना आपका भाई लेके जाएगा। बोलिएगा कितना देर बोलने से हो बात, और हो गया छोड़ दें। तो ठीक है।